हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि एसिड्स एक्चुअली एच प्लस आयंस का प्रोडक्शन क्यों करते हैं और OH माइनस आयंस का प्रोडक्शन क्यों करते हैं बेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सभी ने थियोरेटिकली ये जरूर पढ़ा है कि जैसे ही एसिड्स को हम पानी में घुलाते हैं तो वो एच प्लस आयंस रिलीज करता है, लेकिन वो करता क्यों है, इसके पीछे के साइंस आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिड्स का टेंडेंसी होता है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और वो प्रोटॉन को कब डोनेट करेंगे, जैसे ही वो एसिडिक करेक्टर शो करेंगे वो प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब एसिडिक करेक्टर कब वो शो करेंगे, जैसे ही आपका सोल्यूशन जाएंगे वो कोरोसिव हो जाएंगे और एसिडिक करेक्टर शो करने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्वा सॉल्यूशन में एसिड्स एच प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए मान लिए कि एसिड्स एच प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, तो बेसिस क्यों OH माइनस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका भी जवाब है। अब आप सभी जानते होंगे कि बेसिस क्या है, आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी चैप्टर इस कवर्ड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को चेक नहीं किया है तो काइंडली चेक इट आउट। और मैंने क्लास 10 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 का लगभग आधा कंप्लीट कर चुका हूं और हिस्ट्री का भी चैप्टर 1 का पार्ट 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले बेसिस क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो जिस प्रकार एसिड एच प्लस यानी जिस प्रकार एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, उसी प्रकार बेसिस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किस प्रकार से कर सकता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है OH माइनस के फॉर्म में। OH माइनस के फॉर्म में तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बेसिकली जैसे ही एच प्लस आयन OH माइनस के आयन के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, वो क्या करता है, OH2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो गाइस, आप लोगों को ये फैक्ट कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और इसी तरह के अमेजिंग साइंस फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको इसी तरह के एनसीईआरटी कवरेज का भी गारंटी मिलता है विथ रिविजन। धन्यवाद।